छतरपुर के बागेश्वर धाम में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपने साथ देसी कट्टा लेकर धाम के परिक्रमा मार्ग में घुस आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक का नाम रंजन खान बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीब 44 साल है। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है। मामला ग्राम गड़ा का है, जो कि बागेश्वर धाम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। यहां अपने साथ कट्टा लिए एक मुस्लिम युवक को परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की शिकायत पर अरेस्ट किया गया। उसके कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा, जिंदा कारतूस समेत बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग पर सैकड़ों लोग परिक्रमा कर रहे थे, तभी युवक को कमर में कट्टा खोसे देखा गया था। बता दें कि पकड़ा गया युवक रंजन खान शिवपुरी का रहने वाला है। वह कट्टा लेकर धाम के परिक्रमा मार्ग तक क्यों आया, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। दो दिन पूर्व एक आरोपी को पकड़ा है, जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है, और इसको थाना बमीठा द्वारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था, और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी, और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है, और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है।